क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। एक गार्डन में 2025 प्लांट्स को प्लांटेड यानी कि लगाया जा रहा है, तो इस तरह से प्लांट किया जा रहा है ना कि प्रत्येक रो, ईच रो, प्रत्येक रो में वैसे प्लांट्स होंगे जितना कि हमारा रो होगा उतना हमारे प्लांट्स भी होंगे। मान लेते हैं कि 5 रो है ना, तो 5 रो में 5 5 5 प्लांट होगा। अगर 10 रो है तो 10 10 10 प्लांट होगा। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल होंगे। तो बताइए कि कितने रोज होंगे और कितने प्लांट्स होंगे एक रो में, जिसके लिए फिर हम क्या करेंगे ना, 2025 का हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, तो क्या 5 4 जा 20, फिर 0 टाइम्स में भी 5 5 जा 25, फिर ये 5 हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, फिर ये हमारा 3 से होगा तो 3 2 जा 6 और 2 बच्चा 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से होगा 3 9 जा 27, अगेन फिर 3 से होगा 3 3 जा 9, फिर 3 से होगा 3 1 जा 3। इसका मतलब कि हमारा 2025 जो हमारा निकला वो हमारा फैक्टर क्या क्या होगा, तो बाई प्राइम फैक्टर में 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3 हो गया। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक पेयर 5 का तो 5 बनेगा, एक पेयर 3 का तो 3 होगा, और फिर एक पेयर 3 का तो 3 होगा। दैट मीन्स 5 3 जा 15 और 15 3 जा हो जाएगा हमारा 45। यानी टोटल नंबर ऑफ रोज 45 होंगे और एक रो में 45 प्लांट्स होंगे। देन हम लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ रोज इज 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू 45, और ये हमारा आंसर होगा।